गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पूर्व सीएम कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बाढ़ की इस भीषण आपदा में कमलनाथ ना तो किसी किसान से मिलने गए और ना ही गरीब के बीच गए। कांग्रेस को किसी भी तरह का आरोप लगाने का अधिकार नहीं है। उपचुनाव को लेकर नरोत्तम ने कहा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए वे बाहर से बुला रहे हैं। जयवर्धन सिंह के कविता लिखने को लेकर नरोत्तम ने कहा कि पिता पुत्र के लिए लिखे या पुत्र पिता के लिए लिखे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह समझ में नहीं आ रहा दमन किसका हुआ है, क्या दिल की बात जुआ पर आ गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस और कमलनाथ को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कमलनाथ ना तो कोरोना काल में जनता से मिलने गए और ना ही इस भयंकर बाढ़ की आपदा में किसी किसान और गरीब के बीच पहुंचे। कांग्रेस ने कुछ काम तो किया नहीं है, अब वे सिर्फ भाजपा को गाली देकर चुनाव जीतना चाहते हैं। इनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे जो फीडबैक दे सके, इसीलिए ये लिस्ट जारी करते हैं। अब बोल रहे हैं लिस्ट गलत है और वो भी हम मान लेते हैं। मिश्रा ने कहा कांग्रेस अगर चुनाव जीतने का दावा नहीं करेगी तो बचे हुए कार्यकर्ता भी भाग जाएंगे। देखो, कांग्रेस को मैं तो ये मानता हूँ कि किसी भी तरह का कोई आरोप लगाने का अधिकार इसलिए नहीं है कि वो जनता के बीच जाते नहीं हैं। पूरे कोरोना काल में कहीं आपने कमलनाथ जी को देखा क्या? आप बताइए, आप सोचिए और आप ही सवाल करिए, मैं जवाब दूंगा। इतनी भयावह बाढ़ में इस कांग्रेस पार्टी का कोई नेता आपने प्रदेश में बाढ़ के हालात में गरीब के बीच किसान के बीच देखा क्या? देखा हो तो आप बताओ, आप ही सब विजुअल फुटेज चला के हमको बताते हो, आप ही बता दो। अब ये बाढ़ तो वर्तमान में तो अब उतर रही है ना, इन 3 दिन के अंदर, इन 7 दिन के अंदर जब से भयावहता आई थी, किसान का नुकसान हो गया, गरीब का नुकसान हो गया, मार पे मार लगातार आ रही है प्रदेश पर कोई भी पत्नी की घड़ी में नहीं जाता है। हमको गाली दे के वोट मांगना चाहते हैं, कभी जनता की सेवा करके भी वोट मांगो मेरे कांग्रेसी भाइयों। ये उनका खैर आंतरिक मामला है, पर मेरे ख्याल से कि ये जान पूछ के वायरल कर देते होंगे जिससे ये फीडबैक आ सके, क्योंकि आज कार्यकर्ता ग्रॉस रूट पर कांग्रेस का बचा नहीं है, तो फीडबैक आ ही नहीं पा रहा है। हो सकता है कि वो सूची प्रत्याशियों की भी नहीं हो, घोषित प्रत्याशियों की नहीं हो, पर संभावितों की तो है, नहीं तो जब फाइनल आएगी तब देख लेना आप, इन्हीं में से नाम होंगे। अगर वो ऐसा दावा नहीं करेंगे तो बचे हुए भग जाएंगे। उन्होंने लोकसभा में भी कहा था कि हम 23 सीटें जीतेंगे, जीते क्या? उन्होंने विधानसभा में कहा था कि हम 2/3 बहुमत लाएंगे, एक बोले थे उनके कि 145 आ रही हैं, 165 आ रही हैं, आई क्या बहुमत ही नहीं आ पाया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।